कौन सी वाली दोस्त की बात कर रहा? हाँ, देवुलीना की बात कर रहा है यार। जब से वो गई है थोड़ा सा और बिग बॉस अच्छा हो गया। As you can see, International Iconic Awards 2020, Season 7, Miss Riya Manik, International Iconic Actress of the Year 2021. And this is for International Iconic Awards for Indian Television 2021. Of course, it's so heavy or... ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है तो उसमें ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम ग्रेटफुल। आई थिंक एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर एन एक्टर, इट रियली एनकरेजेस यू एंड नॉट ओनली एन एक्टर, आई थिंक एवरीबडी एट वर्क वेन एवर यू नो दे आर एनकरेज और वेन दे आर अप्रिशिएटेड, इट ऑलवेज फील्स गुड। आप दोनों के थोड़े लुक के बारे में थोड़ा बताइए, और ये इत्तेफाक है कि मतलब ट्यूनिंग का कुछ वो है क्या? ओनली एंड ओनली इत्तेफाक। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने सच में कोई प्लानिंग नहीं की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर सो बिजी ऑन द सेट, हमें टाइम भी नहीं मिलता एक दूसरे से ठीक से बात करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ही हैज़ हिज सीन्स, वी हैव आर सीन्स टुगेदर, वी रियली हैव टू फोकस, तो हमने बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं की है। आई डोंट नो व्हाई इट इज मैचिंग और कॉन्ट्रास्टिंग। मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ, अभी मैं फिर से देन अगेन द सेम थिंग कि मैं शूटिंग से निकला था, मैं शूटिंग पे यही कपड़े पहने थे, मैं सिर्फ शर्ट चेंज की और मैं पहन के आ गया हूँ, बट दिस इज माई पर्सनल, क्योंकि हम गर्ल बहुत टाइम के बाद हमने एक हमारे एक रोमांटिक सीन है जो आप देखोगे टीवी पे, तेरा मेरा साथ रहे में, इट्स वेरी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल सीन ऑफ तेरा मेरा साथ का जो अभी आने वाला ऑनर होगा, तो उसमें मैं एज एन गोपिका को पहली बार डेट पे लेके जाता हूँ, फर्स्ट टाइम एज एन अपनी मर्जी से, तो उसमें मैंने ही कपड़े पहने थे, तो भाई मैं वही पहन के आया हूँ। एनीथिंग एल्स? नाज़िम ने तो अपनी बैक स्टोरी बता दी, आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी क्या स्टोरी है? So I was very clear that I want to wear a sari and I didn't want to wear anything that is too fancy. I wanted to wear something very nice, pretty, simple, elegant and Indian. So here it is. Of course, अच्छे लग रहे हैं, मेरे को स्टार है। We have come a long way together and we started work together. We grew as actors together. हम दोनों ने एक दूसरे को डांट खाटे देखा है डायरेक्टर से, तो there is no shame absolutely. You know, ना नाज़िम में awkwardness रहता है, ना मुझ में awkwardness रहती है जब भी हमें set पे डांटा जाता है, nor are we conscious with each other when we keep making silly mistakes on set. So that's the beauty. मेरा पहला अवार्ड जो मिला है मुझे इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का, वो बिकॉज ऑफ शी, इसकी वजह से मुझे मिला है। आज मेरी को एक्टर है साथ में, तो मुझे आई एम सो लकी। सो बाकी इंटायर माई टीम, तेरा मेरा साथ, माई डायरेक्टर्स, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला, थैंक यू सो मच जिया, एंड थैंक यू सो मच माई आशीष जी एंड माई इंटायर टीम, तेरा मेरा साथ। ओके, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, आपकी दोस्त भी गए हैं अंदर, उनको बताइए कुछ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फॉलो कर रहे हैं? कौन सी वाली दोस्त की बात कर रहा है? हाँ, देवुलीना की बात कर रहा है यार। हाँ, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, नो डाउट, कोई ऐसी कुछ नहीं है, बिकॉज जब से वो गई है थोड़ा सा और बिग बॉस अच्छा हो गया है, नॉट इवन शी, बिकॉज उसके साथ जो रश्मि है, दो तीन और लोग, राखी सावंत है, तो उन तीन चार लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छे से, मतलब एज एन ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिग बॉस लड़ाई तो होगी ना, घर में जब 15 जन रहेंगे एक ही बात में, जब सब जाएंगे तो भाई लड़ाई तो होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ अपना शो अभी फॉलो कर पा रही हूँ विद द काइंड ऑफ हेक्टिक स्केड्यूल्स दैट वी हैव राइट नाउ, सो द ओनली शो दैट आई एम वॉचिंग राइट नाउ ऑन टी वी, और रादर आई शुड से गेटिंग टाइम टू वॉच, इज तेरा मेरा साथ रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने हमारे पहले शो को प्यार दिया, तेरा मेरा साथ को भी उतना ही प्यार दे, उतना ही प्यार बनाए रखे, एज हमारी केमिस्ट्री, हमारी जोड़ी को, हमारे शो को। सो थैंक यू सो मच गाइज, बस अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस।